हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम साहिल मलिक और आप सबका मैं वेलकम करता हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है साहिल मलिक द वीलॉगर। अब इसके अंदर, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्पीच थेरेपी के बारे में। आज हम वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो 99% लोगों को, जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको, जो 99% बच्चों को जो आजकल दिक्कत आ रही है और जो मेरे पास आ रहे हैं बच्चे, उनको होती है र और ल बोलने में। अब मैंने बोला र, र का मतलब जीभ ऊपर मूवमेंट हो रही है, और ल बोलता हूँ, ल में भी देखो ल ऊपर जीभ की मूवमेंट हो रही है। र में भी और ल में भी जब जीभ की मूवमेंट अपने आप होनी चाहिए, ये मूवमेंट की वजह से ही लोगों से ना र बोला जाता है ना ल बोला जाता है। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, सबसे आसान वे बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई भी उम्र का इंसान हो, सिर्फ एक हफ्ता ये एक्सरसाइज अपने आप कर ले, एक हफ्ते के अंदर मुझसे लिखवा के ले लो, वो इंसान या छोटा बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो एक्सरसाइज क्या है अगर मैं आपको बताऊँ र के बारे में। अब देखो, जैसे मैं बोलता हूँ रमेश, रेवड़ी, और जैसे रेलगाड़ी, रमेश, रसना, अभी इन अक्षरों पे क्या है, जीभ की मूवमेंट ऊपर जा रही है। अब होता क्या है, जो बच्चे अगर या कोई लोग वो जिनसे ये अक्षर नहीं बोला जाता र, उनको आपने हेल्प करनी है कि या तो आप अपना स्पून यूज़ करते हैं, स्पून को आप उल्टा करके, अब जैसे अगर ये मुंह है तो उसको ऐसे मुंह करके उसके आपने सपोर्टिंग लगाना अपनी जीभ के नीचे, जैसे कि यहाँ र र, ऐसी आपने लगाना ल के लिए ल ल। अब ये हमने सपोर्टिंग क्यों लगाना है कि इसका भी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम जैसे कोई नया मकान बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कुछ लेंटर की ज़रूरत होती है। अब ये एक तरह से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी जीभ को, जीभ अपने आप मूवमेंट नहीं कर पा रही ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जिसकी वजह से हमें उसके नीचे कुछ सपोर्टिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। और ये आप चाहे स्पून लगाइए, लेकिन जीभ के नीचे लगाना है, सो दैट कि जो उसकी मूवमेंट है, उसकी मूवमेंट में उसको आपको इजीली वो अक्षर की आवाज़ आ जाए। शुरू शुरू में एक दो दिन आपको लगेगा यार आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ एक हफ्ता ये एक्सरसाइज ईजिली कीजिए, और जो र वाले अक्षर हैं, ल वाले अक्षर हैं, अच्छे से उनके ऊपर आप अपना वर्कआउट कीजिए, ये अक्षर इन्हीं चीज़ों से आपका ठीक हो जाएगा। अब जैसे ल के होते हैं लाल टेन, लंकेश, अब जैसे कोई भी अक्षर आप उठा लीजिए, र और ल हमारा हिंदी का फाउंडेशन अक्षर होते हैं, हर अक्षरों के अंदर या ल यूज़ होगा या र यूज़ होगा। अगर ये दोनों अक्षर अगर छोटे बच्चों के हो जाएं क्लियर, तो वो कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं विदाउट एनी अटरिंग, स्टैमरिंग, या कोई भी उनको हकलाना या कोई भी चीज़ की उनको नहीं दिक्कत होगी। आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती, आप मेरे वीडियो के ऊपर आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं कि, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये एक्सरसाइज हमेशा याद रखिए र की और ल की।